नीरज साहब की याद में उनकी पुण्यतिथि पर ये जो काव्यांजलि पिछले 6 सालों से हो रही है, बेसिकली ये दिन था 2010 में 11 फरवरी इंदौर शहर में नीरज साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई। और नीरज साहब हम मंच पर तो अकेले थे, लेकिन वहाँ बैठे बैठे कवि सम्मेलन चलता रहा और उनके पूरे परिवार से टेलीफोन से हमारा परिचय हो गया। तब का दिन है, आज का दिन है, हम लोग परिवार की तरह ही रहते हैं, सुख दुख बांटते हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं। नीरज साहब के आखिरी दिनों में भी मेरी उनसे मुलाकात हुई और हर बार मैं नीरज साहब के जीवन से जुड़ा कोई एक अनूठा किस्सा, अनूठा पहलू सुनाता हूँ। नीरज साहब के बारे में हो सकता है जो लोग गहराई से पढ़े हों उन्हें पता है कि नीरज साहब बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, कमाल के एस्ट्रोलॉजर थे। उनके एक बड़े गहरे दोस्त थे, डॉक्टर थे, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। जो उनकी रिपोर्ट आई, पैट स्कैन आया, तो डॉक्टर साहब बड़े डिमोरलाइज थे। तो नीरज साहब ने कहा कि तुम अपनी कुंडली दिखाओ मुझे। तो कुंडली नीरज साहब ने देखी और कहा कि तुम्हें कैंसर, कर्क रोग जैसी बीमारी हो ही नहीं सकती। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी जगह से चेकअप कराया है, दिल्ली में रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने कहा मेरे कहने से दोबारा कराओ, और अगर तुम्हें कर्क रोग दोबारा निकल आया तो मैं जीवन में कुंडली देखना छोड़ दूंगा, फिर दोबारा कभी कुंडली नहीं देखूंगा। उन्होंने दोबारा चेकअप कराया और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। तो नीरज साहब गुणों की भरमार थे, गुणों की खान थे। और आज जावेद अख्तर साहब मन से सम्मानित किया गया, तो सही अर्थों में पिछले साल अन्नू कपूर साहब ने इस मंच की शोभा बढ़ाई और जावेद अख्तर साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मैं कह सकता हूं कि मैं अपने जीवन में कुछ वक्ताओं से जो प्रभावित हुआ हूं, उसमें मैं ओशो आचार्य रजनीश का नाम सबसे पहले लेता हूं। दूसरे नंबर पर मैं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेता हूं और तीसरे नंबर पर मैं जावेद साहब का नाम लेता हूं कि उनकी भी जो वाक कला है, जो मर्मज्ञता है विषय के बारे में, वो कमाल की है। और चौथे नंबर पर मैं अपने बड़े भाई कुमार विश्वास का नाम लेता हूं। और उसके बाद मैं कह सकता हूं कि पिछले साल से मैंने अन्नू कपूर साहब को अंताक्षरी में तो देखा था। मेरी पत्नी यहां बैठी हुई है, वो अन्नू कपूर साहब जब अंताक्षरी करते थे तो यहां गई थी पार्टिसिपेट करने, उनसे मिलने ही आई हैं। तो अन्नू कपूर साहब ने जो पिछले साल जो अपना उद्बोधन और संबोधन दिया था वो भी बहुत कमाल का है। और हाल फिलहाल मैं किसी के संबोधन से प्रभावित हुआ हूं तो वो अन्नू कपूर जी हैं। और निगसांग को इस में जो जितने स्पॉन्सरर हैं, सभी लोग, प्रेस क्लब के सभी लोग, हमारे सारे पत्रकार बंधु, यहां पे आई हुई हमारी माताएं बहनें और जो मेरे कुलीग्स हैं, सबको आने के लिए, अपने जितने गेस्ट हैं उनको मैं आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने समय निकाला। यहाँ पर मेरे जमील भाई विशेष दोस्त हैं जो दुबई में रहते हैं, हालाँकि दिल्ली भी इनका घर है और मूल निवासी टोंक राजस्थान के हैं। आपके पिताजी भी बड़े मौजूद शायर थे, आज समय उन्होंने निकाला और यहाँ पे आए। रूमी साहब, बोनी कपूर साहब जो मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह हैं, हमेशा स्नेह प्रेम मिलता रहा। और इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं, मैं कह सकता हूँ कि बाहर की दुनिया में हो सकता है लोग मेरे से इत्तेफाक रखते हों ना रखते हों, लेकिन इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं, मुझे, मैं मन से मानता हूँ कि सब लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, रूमी साहब आपका भी बहुत सारा आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।